और दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है। दोस्तों जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए इस समय प्राची की, तो प्राची रणबीर को लेकर तुरंत ही यहां से निकलती हुई नज़र आ रही है, ताकि रणबीर और सभी लोग कम से कम जाकर खुशी को तो देखें, क्योंकि दोस्तों खुशी हॉस्पिटल में है। लेकिन दोस्तों जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचेंगे उससे ही पहले खुशी वहाँ से गायब हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग खुशी का किडनैप करने जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि कहानी में वाकई में ज़बरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिल रहा है। वहीं आप लोग जानते ही हैं कि इन सब के पीछे लाली का हाथ है अभी भी, क्योंकि दोस्तों लाली को हर कीमत पर पैसे चाहिए और पैसे लेने के लिए वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। क्योंकि दोस्तों बात की जाए लाली की, तो लाली ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि हो कुछ भी जाए हम अपना बदला पूरा लेकर ही छोड़ेंगे, और बदला भी छोटा गना नहीं है बल्कि बदला सबसे ज़्यादा लेती हुई कोशिश कर रही हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वहीं अक्षय के जो फादर हैं, अक्षय के फादर ने बोल दिया है कि प्राची बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्राची को अभी से अपनी बहू का दर्जा देने लगे हैं, क्योंकि उनका बेटा जो है अक्षय, और अक्षय की शादी प्राची के साथ कराने के लिए इस समय जोरों पर चल रही हैं तैयारी भी। दोस्तों साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए वाकई में एक दिलचस्प और मोड़ लेकर आ चुकी है। वहीं आप लोग जानते ही हैं कि बात की जाए रणबीर की, तो रणबीर का मानना यह है कि अगर प्राची शादी करती है अक्षय के साथ में, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए खुशी को लेकर यहाँ से निकल जाऊँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना सहन करना पड़े। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वहीं रणबीर की मॉम का यानी पल्लवी का कहना यह है कि हम जल्दी ही रणबीर की शादी रिया से करा देंगे और दोनों बच्चे हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ में खुश रहेंगे। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस आपको मेरी वीडियो कैसे लग रही है।